ऑल राइट दोस्तों, कैसे आप सब? मेरा नाम सिकंदर, यहाँ अपने सामने है होंडा SP125। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग अपनी होंडा SP के लिए ढूंढ रहे हो, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि वाइजर हो गया, क्रैश गार्ड हो गया, इसके अलावा यहाँ पर मिरर हो गया, मोबाइल होल्डर, टॉप रैक। डिटेल में बात करते हैं, यहाँ पर चेक करो एक वाइजर, जो कि इसको लगाने के बाद इसका जो फ्रंट है ये पूरा चेंज हो जाता है, ऐसा लगता नहीं है आपकी होंडा SP125 ही है, बहुत बल्कि लुक आ जाता है। और ये जो वाइजर है ये है इसका प्रॉपर फिटिंग के साथ, जो कि कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा इसमें LED बल्ब देख सकते हो लगे हुए इंडिकेटर के अंदर। इसका फोकस मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये आप फोकस चेक कर लो इसका, अभी शॉप के अंदर चेक कर सकते हो आप। लो जी, हजार ऑन करके दिखा दे, तब मज़ा आएगा। तो ये हो गए आपके इंडिकेटर के बल्ब। इसके अलावा यहाँ पर लगा रखे हैं फोर्क स्लाइडर राउंड में रेड कलर के, सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं बेसिकली। कलर इसमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर रखे हुए हैं, अभी गोल्डन है, ऑरेंज है, और भी काफ़ी सारी वैरायटी है जो कि बिकती रहती है, लगती रहती है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे हैंड ग्रिप्स जो कि बार एंड के साथ में है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे देती हैं और पूरी तरीके से बाइक के साथ मैच कर रहे हैं। यहाँ पर मिरर लगा रखे हैं LED वाले, जिसमें आपको ड्यूल साइड इंडिकेटर मिलेगा, लाइक इस साइड भी और दोस्तों इस साइड भी। इसके काफ़ी सारी वैरायटी और भी है, ये जो है काफ़ी अच्छा है, मिरर फिटिंग के साथ में है। और लुक बताओ गाइस कैसा लग रहा है आपको इस मिरर का। और मिरर में एक्चुअल में लाइट के अलावा ना वर्क भी करते हैं, यानी कि काफ़ी सारे मिरर ऐसे होते हैं जिसमें फोकस पीछे का नहीं दिख पाता कि भाई किधर गाड़ी लेफ्ट लेनी रहती, जो गाड़ी कोई आ रही है नहीं, तो पूरा वर्क करते हैं, पूरी जो है विजिबिलिटी रहती है इसकी, ठीक है। यहाँ पर लगा रखा है मोबाइल होल्डर जो कि अनब्रेकेबल और चार्जिंग सपोर्ट के साथ। यहाँ पर है स्विच, ये है फॉग लाइट का, ऑन करता हूँ मैं, येलो एंड वाइट। अब येलो का सीन ये, जैसे बरसातें आ गई या कोहरा है या फिर जैसे फॉग वगैरह होता है जो कि नाम से पता चल रहा हो, तो उसमें काम आता है येलो, और एक्चुअली डार्क येलो है ये। फॉग लैंप्स के अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसके नीचे क्लैंप्स लगा रखी हैं, जो कि ये नहीं लगाते हैं काफ़ी सारे लोग, क्योंकि अलग से लेनी पड़ती हैं, तो ये क्लैंप्स लगा रखी हैं, जैसे वाइब्रेशन का इशू नहीं होगा। दोनों तरफ से देख सकते हो पूरा पेयर होता है ये। और ये है अपना क्रैश गार्ड, जो कि स्पेशली फॉर होंडा SP125 के लिए है। ये दो स्लाइडर मिल जाते हैं, कहीं मान लो राइड करते करते थक गए तो कुछ इस तरीके से पैर भी ले सकते हो। इसको लगाने के बाद आपका टैंक, आपका इंजन, आपके लेग्स रहते हैं प्रोटेक्ट। इस साइड से भी देख सकते हो आप सेम। तो ये हो गया आपका क्रैश गार्ड, जो कि बहुत ही हैवी क्वालिटी से आता है। इस तरीके के क्रैश गार्ड हर बाइक के मिल जाएंगे, लेकिन फिटिंग अलग अलग है। तो अभी बात करेंगे SP की, यहाँ पर चेक कर सकते हो टॉप रैक लगा रखा है। जिन लोगों को इस पर टॉप बॉक्स वगैरह लगाने हैं, लाइक इस तरीके के लगाने हैं, या फिर जो है प्लास्टिक में लगवाने, मेटल वाले लगवाने हैं, साइड पैनल्स लगवाने हैं, साइड पैनल्स की फिटिंग यहाँ पर छोड़ रखी है, आपको शेडल स्टे लगवाने हैं यहाँ पर, और आपकी साइड फिटिंग में लग जाएगी, उसके ऊपर साइड पैनियर्स या शेडल लेग्स लगा सकते हो। सीट तो ये आ गई आप लोगों की सीट कुशनिंग के साथ, रेड एंड ब्लैक कलर की, जो कि पता ही नहीं चलेगा यार इसमें इतनी ज़बरदस्त फिनिशिंग दे रखी है। कलर देखो काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगेगा, काफ़ी सारे लोगों को नहीं लगता, लेकिन ये आप लोगों की पसंद है कि आप लोगों को कौन सा रखना है। तो फिनिशिंग की बात हो गई, यहाँ पर कंप्लीट लुक देख लो यहाँ से कैसा आ रहा है हैंडल पे से। और बैक साइड में यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको टायर हैगर, ये टायर हैगर आएगा सिंगल साइड फिटिंग के साथ। और यहाँ पर आप देख रहे हो जो आपके इंडिकेटर हैं, इसके अंदर ही बल्ब लगा रखे हैं LED। और दोस्तों यहाँ पर जो है कंप्लीट होती है मॉडिफिकेशन।